मुझे तो लगा था सर उठिए सर सर ये सब कैसे हो आपने कुछ देखा था सर चलिए सर इस मॉल के बारे में आपका क्या कहना है देखिए मैं तो भूत प्रेत पर तो कभी विश्वास नहीं किया मैंने लेकिन यहाँ रात गुजारने के बाद कल रात जो मेरे साथ हुआ उसके बाद विश्वास करने लगा मॉल बंद होने के बाद यहाँ भूत प्रेत का वास होता है आलो नाम की प्रेत आत्मा है भैया इस समय मेरा सर फटा जा रहा है क्षमा चाहता हूँ बाद में बात करूंगा तो ये थे मशहूर वकील केडी पाठक जिनका मानना है कि भूत प्रेत होते हैं देखा ना आपने अब आप उस मॉल में कभी नहीं जाओगे और जितनी जल्दी हो सके ना वो शॉप बेच दीजिए सुना ना आपने हाँ बेच दूंगा मैं बेच दूंगा मिस्टर पाठक ने उस मॉल में एक रात गुजारी जिसके बाद इनकी वो सोच बदल गई कि भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं हमने टीवी पर देखा इन्होंने मानना है कि ये भूत प्रेत ये आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं लेकिन अफसोस मिस्टर पाठक आप अपने क्लाइंट की किस्मत नहीं बदल पाएंगे इससे ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो खून एलो ने किया बल्कि मेरा मानना है कि ये खून आप ही के क्लाइंट मिस्टर संदीप कुमार ने किया एंड योर ऑनर हमारे पास चश्मदीद गवाह है मनीषा जी ने भी यहाँ पर आके सबके सामने सच बताया है तो बोलिए मिस्टर पाठक क्या आप इस सच को झुठला सकते हैं योर ऑनर मैंने मॉल में जो भी देखा उसका सत्य तो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा किंतु उससे पूर्व मिस पुरी आपके मुंह से ये जो सुंदर शब्द झड़ रहे थे उनके पीछे क्या सत्य है उसे परख लें योर ऑनर मैं अभियोग पक्ष के चश्मदीद गवाह मनीषा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ अनुमति है मनीषा जहाँ तुम रहती हो जिस इलाके में तुम्हारे घर के पास भी तो बहुत विशाल शानदार सा मॉल है तो तुम वहां न जाकर के इस मॉल में क्यों गई थी मुझे रास्ते में याद आया कि मुझे कुछ ड्रेसेस खरीदनी थी और वापस जाना तो बेवकूफी ही होती हाँ यही तो मैं कह रहा था कि बेवकूफी होती कि जिस मॉल में आप शॉप लिफ्टिंग करते हुए यानी कि दुकान से सामान उठाते हुए पकड़ी गई थी उसी मॉल में दोबारा जाना तो बेवकूफी होती योर ऑनर इस बात का प्रमाण है मेरे पास जो मनीषा जी के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट लिखवाया गया था ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज तो इस सत्य को आप स्वीकार करती हैं या नहीं जी 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 आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर इनके पुराने केस का इस केस से कोई लेना देना है ही नहीं योर ऑनर लेना देना न होता तो मैं या मनीषा जी को कष्ट न देता ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड मिस्टर पाठक यू मे प्लीज कंटिन्यू हाँ तो बताइए क्या ये जो आपका पुराना केस था शॉपलिफ्टिंग का उसका इस केस के साथ में क्या संबंध है विस्तार में बताइए मैं कुछ समझी नहीं अच्छा आप समझी ही नहीं मैं समझ गया योर ऑनर मनीषा ने जो गवाही जो कथन दिया है अदालत में वो बिल्कुल झूठ है पाठक को झूठ क्यों बोलेंगे उन्होंने वही बताया जो वहाँ पर उन्होंने देखा रघु का खून होते हुए देखा और वो भी किसी और की नहीं बल्कि संदीप के हाथों होते हुए देखा कुछ नहीं देखा इन्होंने योर ऑनर इन्होंने झूठा कथन दिया है अदालत में बोलिए झूठा कथन दिया था क्या आपने मेरे वकील को रघु पर गोली चलाते हुए देखा था आपने जी मैंने देखा क्या क्या देखा था मैंने क्या देखा था किसे देखा था गोली चलाते हुए किसे किस पर गोली चलाई थी उन्होंने आपने पूरी कहानी क्या क्या देखा था आपने पूरी कहानी फालतू का दबाव डाल रहे ये सच सब कुछ बता चुकी है सामने योर ऑनर मैं भी अदालत में बोल चुका हूँ कि मनीषा ने जो कथन दिया है हमारे सामने वो झूठा है केवल संदीप से अपना प्रतिशोध लेने के लिए इन्होंने ऐसा बोला बोलो नहीं तो तुम्हारे बाकी के सारे गड़े मुर्दे फाड़ूंगा
बोलो सत्य क्या है? झूठा कदम दिया था तुमने, हाँ या ना? हाँ। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। क्योंकि इसने मुझे उस मॉल में चोरी करते हुए पकड़ लिया था और फिर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। ये मेरी शक्ल भूल गया है, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती इसकी शक्ल। और जब मुझे पता चला कि इस खून में ये पकड़ा गया है, मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है इसे सजा दिलाने का, और मैं चली आई यहाँ झूठी गवाही देने के लिए। ये अदालत पुलिस को निर्देश देती है कि वो मनीषा को अदालत में झूठी गवाही देने के जुर्म में हिरासत में ले और उस पर अलग से मुकदमा चलाए। Well done, मिस्टर पाठक, आपने इस चश्मदीद गवाह को तो यहाँ से भेज दिया। But don't worry, मिस्टर पाठक, सिर्फ वही आंखें नहीं, और भी आंखें थी वहां पर। किराना, वहां पर जो कैमरे थे उसकी फुटेज में यहां पर दिखाने की इजाजत चाहती हूं। इजाजत है? अभी देखा कि इस फुटेज में क्लियरली हम देख सकते हैं कि संदीप अपनी गन लेकर गेम जोन एरिया में गया, और हमने गनशॉट भी देखा, और उस वक्त वहां पर रघु और संदीप के अलावा कोई तीसरा था ही नहीं। इसका मतलब है रघु को गोली किसी और ने नहीं बल्कि संदीप ने ही मारी। योर ऑनर, अभियोग पक्ष का ये प्रमाण मुझे सशक्त नहीं लगा, क्योंकि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है हमें जो दिखाई दिया वहाँ वो न हो, और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वही हो। वैसे भी इस फुटेज में संदीप और रघु कहीं दिखाई नहीं दिए। अब अभियोग पक्ष के चश्मदीद गवाह को तो मैं झूठा साबित कर चुका हूँ योर ऑनर। बाकी बचे ये तथ्य जो सामने आए हैं, इनके इन्हें समझकर इनका विश्लेषण करने में मुझे एक दिन का समय लगेगा योर ऑनर। मैं अदालत से समय की मांग करता हूँ। ठीक है मिस्टर पाठक, ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सो सर, आप संदीप के बचाव में ऐसा क्यों नहीं कहते कि अलो एग्जिस्ट करती है और उसी ने रघु को मारा है? सुन रहा, तुम लॉ स्कूल की टॉपर रही हो, तुम भी जानती हो कि मैं ये नहीं कह सकता अदालत में। सर लेकिन आपने अलो को देखा है, आप ये बात सबके सामने लाइए ना, आप मानते हैं ना इस बात को? हाँ माना है, किंतु नहीं भी माना। अब I know it's confusing, समय आने पर इसका रहस्य खोलूंगा। वैसे भी अदालत में प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, वरुण खोज रहे हैं।
हाँ वरुण बोल। गुड, मैं भी समझ गया हूँ चक्कर क्या है। योर ऑनर, जैसा कि सब जानते हैं मैंने अमावस्या की रात उस मॉल में बिताई और जो सत्य मेरे सामने आए उन्हें तो मैं अदालत में प्रस्तुत करूंगा ही, लेकिन उस सत्य के पीछे छिपा जो सत्य था उसका विश्लेषण करने में जो समय आपने दिया उसका आभार मानता हूं मैं। ओ मिस्टर पाठक, शायद आपको सच समझने में देर लग गई हो, लेकिन मैंने तो अदालत में सच्चाई सबके सामने रख ही दी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप ये नई नई चीजें सामने लाकर इस केस को मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं यहाँ पर सारे सबूत दिखा चुकी हूँ, पेश कर चुकी हूँ योर ऑनर, जिससे साफ साफ साबित होता है कि कातिल और कोई नहीं बल्कि संदीप है। लेकिन आप कोई ऐसा सबूत यहाँ पर सामने नहीं ला पाए मिस्टर पाठक। देखो ये तुम इतना जल्दी उत्सुक और आतुर क्यों हो जाती हो अंजलि जी। योर ऑनर, मैं अदालत के समक्ष कुछ प्रदर्शित करना चाहूंगा, आपकी अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? ये क्या है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये उस मॉल के जो खेल क्षेत्र है वहाँ ऐसे यंत्र लगे हुए हैं जिसके ऊपर नकली बंदूकें लगी हुई हैं योर ऑनर, बच्चों के खेलने के लिए। अब संदीप के कथन के अनुसार रघु जी पर ऐसे ही एक यंत्र से बंदूक चलाई गई थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। देखना चाहता हूं कि ऐसी बंदूक ऐसे यंत्र पे जब लगी होती है तो क्या स्वयं चल सकती है, स्वयं चलने की संभावना है या नहीं, संभव है या असंभव। योर ऑनर, मिस्टर पाठक ये एक कोर्ट रूम है, कोई प्लेग्राउंड नहीं जहां पर आप ये गन। ये एक अच्छा मजाक नहीं है मिस्टर पाठक। Your Honor, ये nonsense this is. Mr. Patel, I hope this gun is not loaded. Okay, I'm very serious about this. इसमें गोलियां हो, इसमें मुझे मिल। Just stop it. बैठ जाइए। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ इस प्रकार का खेल अदालत में खेलने के लिए, किंतु अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक था। वैसे नकली गोली थी योर ऑनर, जिस प्रकार की गोलियाँ जिनका उपयोग फिल्मों में किया जाता है बिल्कुल हानिकारक नहीं थी। देखिए हमारी मिस पुरी अभी भी जीवित है। योर ऑनर, मैं केवल दिखाना चाहता था अदालत को कि बिना छुए भी बंदूक चलाई जा सकती है। लेकिन मिस्टर पाठक ये हुआ कैसे? वो कुछ इस कारण से। आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने सहायक को बुलाऊं। अनुमति है। वरुण, धन्यवाद। योर ऑनर, जिस प्रकार से मॉल के खेल क्षेत्र में जो यंत्र लगे होते हैं उन्हें बच्चे रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाते हैं, उस प्रकार ये बंदूक भी ऐसे ही रिमोट कंट्रोल से चलाया गया था। योर ऑनर, जिस रात मैं उस मॉल में ठहरा था उस रात मेरे साथ भी एक विचित्र घटना घटी थी। योर ऑनर, किसी ने मुझ पर भी आक्रमण किया। पश्चात योर ऑनर, आधे घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मेरा आक्रमणकर्ता योर ऑनर संभवतः मुझे मृत समझकर वहां से जा चुका था। मैंने छानबीन की तब पता लगा कि किस प्रकार से, कुछ इसी प्रकार से योर ऑनर, रघु पर बंदूक चलाई गई थी जिसके कारण उसकी हत्या हुई। योर ऑनर, ये पॉसिबल ही नहीं।
मैंने बैलिस्टिक रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की है जिसमें साफ साफ पता चलता है कि वो गोली संदीप की बंदूक से ही चली थी। ये तो योर ऑनर, संदीप भी स्वीकार कर चुके हैं इस अदालत में कि इन्होंने बंदूक चलाई थी, किंतु रघु पर नहीं, आलो की प्रेत आत्मा। मुझे हैरानी हो रही है मिस्टर पाठक कि आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक तरफ आप ही कहते हैं कि आलो की प्रेत आत्मा है, दूसरी तरफ आप खुद ये सो कॉल्ड ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा ही यंत्र है जिसने रघु का कत्ल किया है। फर्स्ट मेक अप योर माइंड कि कत्ल किया किसने, आलो की प्रेत आत्मा ने, संदीप ने या फिर किसी और ने। और उस मॉल में प्रेत आत्माएं हैं ऐसा आपने खुद ही कहा है ना? Like your client? कहा है, क्यों कहा है ये भी मैं बताऊंगा, किंतु सर्वप्रथम योर ऑनर मैं इस बात को इस अदालत में स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि रघु की हत्या मेरे मोक्किल ने नहीं की, किसी और ने की है इस प्रकार के यंत्र का उपयोग करके। किसी और ने की है ये तो आप तब से कहे जा रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आप प्रूव कर सके कि ये हत्या संदीप ने नहीं बल्कि वो सो कॉल्ड किसी और ने की है? मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक, यदि आप किसी और को खूनी मानते हैं तो उसके खिलाफ सबूत पेश कीजिए, उस इंसान को अदालत के सामने लाइए, वरना यह अदालत अपना फैसला सुनाने पर मजबूर हो जाएगी। योर ऑनर, इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने की आज्ञा दीजिए। योर ऑनर, रघु के मॉल के खेल क्षेत्र जितने भी इस प्रकार के खेल यंत्र लगे हुए थे, हर एक के पीछे एक बारकोड होता है, और बारकोड से पता लगता है कि उस यंत्र का विक्रेता कौन है, उसे खरीदने वाला कौन है। योर ऑनर, जिस यंत्र से इसी प्रकार का यंत्र था, योर ऑनर, बंदूक वाला वीडियो खेल जिससे रघु की हत्या हुई, उसके बारकोड से पता चला है कि उसे खरीदने वाले। नकुल दे योर ऑनर एक्शन आर्केडिया के मालिक हैं, और उन्हें रघु जी के इस मॉल के खेल क्षेत्र के कारण बहुत भारी नुकसान हुआ था। कुल मिला के ये समझ लीजिए योर ऑनर कि उनका खेल क्षेत्र एक्शन आर्केडिया बंद होने वाला था। योर ऑनर, अब एक ऐसा यंत्र जिसे दे साहब ने खरीदा था, वो रघु जी के मॉल के खेल क्षेत्र में आया कैसे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है योर ऑनर। और पूरी, क्या आपको नहीं लगता इस स्तर पर कि रघु जी के कारण मिस्टर नकुल दे का धंधा चौपट हो गया था, वो कंगाल होने वाले थे, तो उनके पास रघु जी की हत्या करने का उद्देश्य रहा होगा? योर ऑनर, मुझे लगता है कि इस स्तर पर बिना नकुल दे से बात किए इस केस को आगे बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। ये अदालत पुलिस को निर्देश देती है कि वो कल नकुल दे को अदालत में पेश करे। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। जी 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 जी, आपको नहीं लगता कि आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं? अंधेरे में तीर नहीं, नहीं नहीं, अभी अभी तो उजाले में बंदूक चलाई है इस रिमोट के जरिए। आगे आगे देखिए होता है। कौन है यार, सामने आओ। मैं कहता हूँ सामने आओ, सामने आओ। मैं कहता हूँ कौन है यहाँ पे, सामने आओ। मैं कहता हूँ सामने आओ। <laughs>
तुम वरुण ना, सच के पीछे का जो सच होता है वो हाँ दवे बोल केडी जिसके मैं तलाश थी नकुलडे उसकी मौत हो गई है क्या कैसे मंगलम मॉल में ऊपर के फ्लोर से गिरकर ठीक है थैंक्स क्या हुआ सर वो नकुलडे जिस पर हम संदेह कर रहे थे दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई वहीं मंगलम मॉल में तू चला जावा देख कोई संदेहजनक बात मिलती है या नहीं यस सर केडी सर आप बिलीव नहीं करेंगे क्या फुटेज मिली है नकुल की डेथ के साथ पहली बार सीसीटीवी कैमरा ने प्रेत आत्मा को कैप्चर किया आश्चर्य की बात है प्रेत आत्मा और सीसीटीवी कैमरा पर सर मॉल के मैनेजर ने मुझे फुटेज दी है अब ये साबित हो जाएगा कि उन सारे लोगों को उस अलो ने ही मारा और संदीप की जान बचाई क्या बोल रहा है कहाँ है तू सामने आ जी सर मतलब ये अलो को चैलेंज कर रहा है बेचारे की बहादुरी भी काम नहीं आई ये मृत्यु अकस्मात नहीं है इसके पीछे कुछ और है जो इस समय हमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है योर ऑनर दुख की बात है कि जिस व्यक्ति पर हमें हत्यारा होने का संदेह था एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई वहां के सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चला योर ऑनर कि आलो की प्रेत आत्मा अचानक उसके सामने आ गई और नकुल भयभीत हो गया ऊपर से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई रॉन्ग मिस्टर पाठक कहीं आप ये जताना तो नहीं चाहते कि नकुल की हत्या आलो की प्रेतात्मा ने की नहीं ये तो सीसीटीवी फुटेज कह रहा है ऐसा मैं वेल इन दैट केस आपको आलो की प्रेतात्मा को यहाँ अदालत में बुलाना पड़ेगा उसे सजा दिलवाने की ये तो आप ठीक कह रही हैं अभी आलो को अपने आलो की प्रेत आत्मा को अपने किए का दंड तो अवश्य भोगना पड़ेगा ही तो लेकिन देखिए क्या है कष्ट ये है अंजलि मिसपुरी कि जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो ऐसे ही नहीं कहीं चली जाती मंत्रोपचार करना पड़ता है मंत्रोपचार उदाहरण के रूप में प्रीम क्रीम फेयरनेस क्रीम भ्रूंग भ्राम भ्रिम प्रेत प्रेत आत्मा अंजलि क्या कर रही हो अदालत है छोड़ो ना मैं मिस्टर पाठक ओ व्हाट इज दिस नॉनसेंस ये क्या हो रहा है अंजलि क्या कर रही हो आई एम सॉरी मिस्टर पाठक कोई बात नहीं होता है कभी कभी वो गई बैठ जाइए मिस्टर पाठक ये सब क्या हो रहा है योर ऑनर शांत हो जाइए कुछ नहीं हुआ है यहाँ तो जिस प्रकार से वो आई थी उसी प्रकार से चली गई वास्तविकता तो ये है कि आलोक की प्रेत आत्मा इस अदालत में आई ही नहीं थी
इस प्रोजेक्टर के द्वारा आई, अरुण लेजर तकनीक के द्वारा आलो यहां आई और जब इसे बंद कर दिया तो वो चली गई। योर ऑनर, इसी प्रकार के लेजर प्रोजेक्टर्स मॉल के अन्य स्थानों पर लगाए गए थे जिनके द्वारा आलो की प्रेत आत्मा प्रकट होती थी। वास्तव में कोई प्रेत आत्मा नहीं भटक रही थी योर ऑनर, अभी तो भटकाई जा रही थी। कारण स्पष्ट है, कोई व्यक्ति उस मॉल को भूतिया घोषित करना चाहता था ताकि लोग वहां दुकानें खरीदना बंद कर दें। एक बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत योर ऑनर बहुत ही सुनियोजित तकनीक से ये स्वांग रचा गया और एक हद तक सफल भी रहा। लेकिन मिस्टर पाठक, जब आप मॉल में रात बिताने गए थे तब आपने खुद ने माना था कि आलोक की प्रेत आत्मा एग्जिस्ट करती है। मिस पुरी, ना तो मैं तब भूत प्रेत में मानता था ना अब भूत प्रेत में मानता हूँ। हाँ, उस समय मैंने अपने पत्रकार भाई बहनों से कहा था कि भूत है उस मॉल में, आलोक की प्रेत आत्मा है, क्योंकि मैं चाहता था कि योर ऑनर जो भी इस स्वांग के पीछे है, जो भी इस स्वांग का रचयिता है, वो सतर्क ना हो जाए। वेरी वेल प्लेड मिस्टर पाठक, लेकिन अब भी आपके क्लाइंट संदीप के ऊपर मौत की तलवार लटक रही। अगर आप गौर फरमाए तो पिछले 4 अमावस्या की रात में आलोक की प्रेत आत्मा ने किसी को नहीं मारा। इससे ये साफ हो जाता है कि नकुल रघु को मारना नहीं चाहता बल्कि सिर्फ डराना चाहता था। लेकिन हाँ, ये आदमी उसे जरूर मार चुका है। योर ऑनर, ही इज द कल्प्रिट। आप जो बोल रही हैं, इस बात की संभावना तो है। उसी प्रकार से इस बात की संभावना भी है कि नकुल देह के साथ कोई और व्यक्ति जुड़ा हुआ था, भागीदार था, जो अब भी हमारे गिरफ्त में नहीं है। मिस्टर पाठक, आप फिर से किसी और, कोई और, ये सारी चीजें क्या लेकर बैठ गए? कुछ नया ये, किसी और, कोई और। योर ऑनर, स्पष्ट है कि कोई तो है। जिस प्रकार से हमें नकुल देह के बारे में ज्ञात नहीं था तब, अब भी ये संभावना है कि कोई और है। योर ऑनर, पता लगाने के लिए मैं बारी बारी रघु के माता जी और उनके भाई साहब को कटघरे में बुलाकर प्रश्नोत्तर करना चाहूंगा। इजाजत है। मेरा बेटा चला गया, मार दिया उसको किसी। क्यों मारा, किसने मारा, अब क्या फायदा? देखिए माता जी, मैं आपके दुख को समझता हूँ। आपने अपना पुत्र खोया है, इसकी भरपाई करना असंभव है। तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दे देंगी तो संभवतः ये दुख किसी और माँ को नहीं पहुंचेगा। वकील साहब, अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आइए। रवीन जी, मैं ये जानने का प्रयास कर रहा था कि कोई था ऐसा जिसके साथ आपके भाई साहब की शत्रुता थी, कोई ऐसा जो आपके भाई साहब को धमकियां दिया करता था, फोन किया करता था, दबाव डाला करता था, उस मॉल के चक्कर में, मॉल को हड़पने के चक्कर में, खरीदने के चक्कर में, कुछ भी ऐसी बात अगर आपको याद हो तो। भैया हमसे अपनी बातें ज़्यादा शेयर नहीं करते थे और परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक बार मैंने उन्हें नकुल से फोन पे बहस करते सुना था, बस। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर 1 आवर। मरने के बाद आत्मा भटकती है और कई आत्माएं एक भयानक प्रेत आत्मा में बदल जाती है, जैसे कि इस केस में अल्लू की प्रेत केस में उसी ने रघु भगनानी को मारा होगा।
क्या देख रहे हैं? अखिल यंत्र पर किसी और संगठन किसी और कंपनी के प्रत्याक्षर हैं। पता कर किसके? राइट सर। इंटरेस्टिंग। योर ऑनर, मैं इस अदालत से गुजारिश करूंगी कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए, क्योंकि अब तक मिस्टर पाठक अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित ही नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन उन्होंने एक अलग ही केस यहाँ पर सुलझा दिया है, लेकिन अफसोस संदीप को अभी तक इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाए, और करेंगे भी कैसे? सारे सबूत जो संदीप जी के खिलाफ है, सीसीटीवी फुटेज में भी साफ साफ दिखाया दिया है योर ऑनर कि संदीप गेम जोन की तरफ गया था जब रघु वहां पर अकेले थे, और उन्होंने अपने ही गन से उन पर गोली चलाई। इनफैक्ट पुलिस जब वहां पर पहुंची थी तब गेम जोन में वो मशीन पर उन्हें वो नकली गन मिली। अब योर ऑनर, नकली गन से असली गोली तो नहीं चल सकती ना। सो इन शॉर्ट, सारे सबूत संदीप जी के खिलाफ है, इन्होंने ही रघु का कत्ल किया है और इन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए योर ऑनर। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहूं। इजाजत है। थैंक यू। योर ऑनर, रुकावट के लिए खेद है, एक ऐसे व्यक्ति हमारे हाथ आए हैं जिन्हें मैं अदालत में प्रस्तुत करके उनसे प्रश्नोत्तर करना चाहूंगा। देखिए मिस्टर पाठक, अब इस केस में कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि आप निर्णय करने से पहले इस व्यक्ति का कथन सुन ले, हो सकता है आपका निर्णय बदल जाए। माइंड यू मिस्टर पाठक, ये आपके लिए आखिरी मौका है। आइए। अपना नाम और व्यवसाय न्यायाधीश महोदय को बताइए। जी, मेरा नाम निर्मल गुप्ता है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाता हूँ, खासकर कंप्यूटर गेम्स के प्रोग्राम्स। और यहाँ क्यों लाए गए हैं आप, ये भी बताइए। देखिए, बता दीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध जो अपराध है वो सिद्ध कर दिया मैंने, जो कि मैं करूँगा। बहुत लंबा कारावास होगा, अपने आप को बचाइए, बताइए। जी जी, वो मैं क्या सर, मंगलम मॉल में जो मॉडिफाइड गेम मशीन लगी थी मैंने बनाई थी। योर ऑनर, उसके पश्चात उन यंत्रों पर से ये अपनी कंपनी के नामाक्षर निकालना भूल गए, तो वो जो जानलेवा वीडियो गेम मशीन यंत्र और बाकी के जो प्रोजेक्टर्स थे वो भी आपने बनाए थे? जी हाँ, मैंने ही असली शॉटगन माउंट की थी। परेलो की इमेज भी मैंने ही जनरेट की थी कंप्यूटर से। स्पष्ट है कि बहुत भारी रकम दी गई होगी, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आपके बैंक के खाते से पता चल ही जाएगा। अब ये बताइए कि किसके कहने पर आपने ये सब किया? नकुल जी, चार महीने में रघु मॉल खाली हो जाना चाहिए, इतना डरा दूं कि खुद रघु भी मॉल में आने की हिम्मत ना करे। डोंट वरी सर, रघु क्या, रघु की परछाई भी माल के करीब नजर नहीं आएगी। तूने मारा मेरे भाई को, छोड़ रहे तुझे। ऑर्डर ऑर्डर। अब थोड़े से हिले हुए लग रहे हैं, लेकिन ठीक ही लग रहे हैं। ये बताइए कि जो दे साहब थे, जिनके कहने पर आपके कहना है कि आपका कहना है कि आपने उनके कहने पर ये सब किया, तो
जब उन्होंने सब कुछ करवाया था तो उन्हें तो ज्ञात होगा हर चीज के बारे में। तो फिर आलोक की प्रेतात्मा की छवि देखकर वो इतना भयभीत क्यों हो गए कि ऊपर से गिर गए नीचे और उनकी मृत्यु हो गई? ऐसा कैसे हो गया? हो सकता है सर, उसने अचानक देखा हो और शौक लगाओ। मैं तो वहां था नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, ये बताइए, वो रिमोट जिससे उस बंदूक का नियंत्रण किया जाता था, वो तो सर मैंने पहले ही नकुल को दे दिया था, और नकली गन भी। चलिए, जो भी हो, वो मॉल के सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज था वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वही प्रेत आत्मा है जो आपने बनाई थी प्रोजेक्ट करने के लिए? जी सर, ये तो उसी अलौकिक इमेज है। एक बार फिर इसे देखिए ध्यान से, आवश्यकता पड़े तो जूम कर लीजिए। सर, ये किसी प्रोजेक्टर से क्रिएट किया हुआ घोस्ट का प्रोजेक्शन नहीं है। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रोजेक्शन कभी किसी को धक्का नहीं दे सकता। Exactly, Your Honor. प्रोजेक्ट किया हुआ छवि कभी किसी को धक्का नहीं दे सकता। ये स्पष्ट है Your Honor कि जिस प्रेत आत्मा ने नकुल को धक्का दिया वो प्रेत आत्मा नहीं, कोई छवि नहीं, कोई व्यक्ति है Your Honor। कोई व्यक्ति जो प्रारंभ से ही इस खेल में जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति जिसने नकुल के साथ भागीदारी करके निर्मल जी से वो खेल यंत्र और प्रोजेक्टर बनवाए, कोई व्यक्ति Your Honor जिसने उस गन के द्वारा रघु की हत्या की, कोई व्यक्ति Your Honor जिसे जब पता चला कि नकुल को लोग खोज रहे और बहुत जल्द संभवतः पुलिस को सत्य के बारे में पता चल जाएगा, तत्पश्चात जब उसे पता चला कि मिस्टर दे का खेल खुलने वाला है और हम उसे खोज रहे, तब उसने उसकी भी हत्या कर ली। Your Honor, रघु भगनानी और नकुल दे का हत्यारा रघु का छोटा भाई नवी। ये क्या बता रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर। अरे निर्मल जी, जरा चित्र पर जूम करना। ओके सर। थोड़ा और। सही हाथ है यार। वो मेरा सगा भाई नहीं, मेरे डैड की पहली बीवी का बेटा, पहली बीवी का बेटा, मेरा सौतेला भाई। डैड ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी और मेरे नाम कुछ भी नहीं, और उसने मुझे सौतेला बना के रख दिया। एक दिन नकुल मुझे एक पार्टी में मिला, हम दोनों ने प्लानिंग की कि हम इस मॉल को बेच देंगे और रघु भैया बैंक करप्ट हो जाएंगे और हम दोनों एक साथ बिजनेस करेंगे। लेकिन वो इतने हट्टी थे, वो एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था, तो बस मैंने यही रास्ता बनाया। डर गया था, उसे लगने लगा था कि मैं इसका खून कर दूं। पुलिस इसको तलाशने लगी थी, फिर मैंने उसको मॉल में बुलाया। तुम द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। नवीन के इकबालिया जुर्म से ये बात साफ साबित हो गई है कि ये दोनों कत्ल नवीन ने किए हैं, लिहाजा ये अदालत
उसे गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है और संदीप को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। आपने बहुत उपकार किया मुझ पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी बातें कर रहे हैं, उपकार किस बात का, ये तो मेरा कर्तव्य था। हाँ वैसे विष्णु, तुझे मेरा आभार मानना चाहिए क्योंकि ये तेरे मन में जो भूत प्रेत को लेकर भ्रम था उसे दूर किया है। तो एक झूठी प्रेत आत्मा का सच सामने लेके आया, अभी तूने एक सच्ची भटकती प्रेत आत्मा नहीं देखी जैसी मैंने देखी है।